तो हम लोग पहुंच गए थे यहाँ तक, ठीक है। कांस्टेंट आयनिक प्रोडक्ट जो है, ठीक है, वो ग्रेटर देन रहता है किससे, केएसपी से। तो पीपीटी फॉर्म होता है इसके बारे में कल देख लिए थे, ठीक है। और हाँ, ये सारा अपना हो गया था। आज देखना था इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स से, ये छोटा सा बचा हुआ था, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे इसके बारे में, इम्परफेक्ट कौन से हैं कॉम्प्लेक्स। तो क्या बोलता है, कॉम्प्लेक्स विच रिलेटिवली अनस्टेबल। ध्यान में रखना, यहाँ इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है अनस्टेबल, ठीक है। लेकिन ये अनस्टेबल क्या होगा, रिलेटिवली होगा। यदि ये रिलेटिवली क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अनस्टेबल वाला, स्टेबल वाला क्या रहेगा, यस स्टेबल वाला क्या रहेगा, परफेक्ट। और इम्परफेक्ट क्या रहेगा तुम्हारा, रिलेटिवली, जो अनस्टेबल रहता है। रिलेटिवली ध्यान में रखना, रिलेटिव की बात है, रिलेटिव है यहाँ पे, रिलेटिव। यदि स्वस्ति माइक को म्यूट कर दो, हाँ थैंक यू। तो रिलेटिवली क्या रहेगा तुम्हारा, अनस्टेबल रहेगा, ठीक। और यहाँ पे फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है, केएफ वो क्या रहता है, मॉडरेट रहता है, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट क्या रहेगा, मॉडरेट। और यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़े हो उसमें, उसके आधार पे क्या हो जाएगा, ये हाई हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जैसे के टू सी डी सी ए, ठीक है, ये कैसे ब्रेक कर जाएगा तुम्हारा, ये वाला यहाँ से ब्रेक करेगा, ठीक है, 2K+ और सी डी सी एन का 4, ठीक है, और ये -2। अब यहाँ पे चार्ज सी डी का क्या होगा तुम्हारा, +2, ठीक है, चार्ज क्या होगा, +2। ये सब बताएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है, क्या होता है, +2। तो यहाँ रिएक्शन यदि हम करवा दें ये वाले पार्ट का, ठीक है, रिएक्शन यदि हम करवा दें H2S के साथ, तो यहाँ पे मिलता है CDS विच इज येलो पीपीटी। ये कैसा पीपीटी तुम्हारा रहता है, येलो पीपीटी तुम्हारा नजर आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक तरह का इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स हुआ, अनस्टेबल हुआ। अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स हुआ तभी ये किसमें कन्वर्ट हो गया तुम्हारा, येलो पीपीटी में, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला तुमको याद होगा, ऊपर वाला याद होगा, यहाँ पे जो हम लोग कल ही देखे थे, ठीक है, ये क्या था तुम्हारा, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। और परफेक्ट कॉम्प्लेक्स में क्या था, हाईली स्टेबल है, और हाईली स्टेबल है इसीलिए किसी प्रकार का पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं किया था, ठीक है। लेकिन यदि इसमें जाओगे तो ये तुरंत किस चीज का फॉर्मेशन कर दिया, पीपीटी का फॉर्मेशन कर दिया। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है, ये थोड़ा सा अनस्टेबल होगा एक तरह से कहा जाए, ठीक है। और ध्यान में रखना कि परफेक्टनेस नोट यहाँ ध्यान में रखना, ठीक है, कि जो भी परफेक्टनेस है और इम्परफेक्टनेस होगा ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन एंड नेचर ऑफ रिएजेंट, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है तुम्हारा, कंसंट्रेशन पे और नेचर ऑफ रिएजेंट पे ये डिपेंड करता है, ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद थोड़ा सा आगे समझेंगे इसी चीज को, इसी लाइन को, जो कहें किस पे नेचर ऑफ रिएजेंट पे एंड कंसंट्रेशन पे। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे है अपने पास क्या है, ये एजी, ठीक है, क्या है अपने पास, ये एजी, ठीक है, एजी NH3, NH3 का O2, और ये पॉजिटिव, ये, ठीक है। अब ये देखोगे तो इसको हम लोग अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके इस पे हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसको KBr से रिएक्शन करवा दिए, ठीक है, KBr से। तो KBr से रिएक्शन करवाने के बाद नो पीपीटी, कोई भी पीपीटी इसमें मिला नहीं। उसके बाद KI के साथ करवाएं, कोई पीपीटी नहीं मिला। अब KBr ले लिए एक्सेस में, एक्सेस में KBr लेने पे पीपीटी मिलता है AgBr का, और वो भी पेल येलो कलर का, ठीक है, पेल येलो कलर का तुम्हारा क्या मिलता है, पीपीटी तुमको देखने को मिलता है। तो ये एक आ गया बात यहाँ पे, ठीक है, जब एक्सेस में हम लोग ले लिए तब। और वही KI भी जब हम लोग क्या ले लिए, एक्सेस में ले लिए, तो यहाँ भी पीपीटी देखने को मिलता है, और ये पीपीटी किसका रहता है, AGI का। तो कहने का मतलब है कि यदि कंसंट्रेशन अलग है आपका, ठीक है, तब बेसिकली जो है यहाँ दो पॉइंट हम लोग बात किए थे, एक तो कंसंट्रेशन और दूसरा नेचर ऑफ रिएजेंट, ठीक है, अलग अलग। देखो नेचर ऑफ रिएजेंट में क्या हो गया, एक KBr है, एक I है तुम्हारा। तो नेचर ऑफ ये रिएजेंट और कंसंट्रेशन यदि डिफरेंट होता है, तो फिर हम मान के चलेंगे कि इनका जो ये प्रोडक्ट आएगा पीपीटी वगैरह,
वो भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा एकदम डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद और एक बात बोलता है, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विच डिकम्पोज 100% विल बी डबल सॉल्ट। ठीक है, इसमें ये कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज हो जाता है तुम्हारा, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स डबल सॉल्ट। ठीक है, अब देखो बोलता है टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड क्लासिफिकेशन जो हम लोग देखेंगे वो कई कैटेगरी में देखेंगे, ठीक है, कई सारे चीजें उसमें ध्यान में रखते हुए देखेंगे। तो सब पहले, ठीक है, सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, पहला नंबर देख रहे हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है, प्रेजेंट ऑन लिगेंड, चार्ज जो प्रेजेंट रहेगा लिगेंड पे उसके बेसिस पे देखेंगे। तो इस बेसिस पे हम लोग तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले एनायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड, तीन तरीके के होंगे आपका। एक तो होगा एनायनिक लिगेंड, दूसरा होगा कैटायनिक लिगेंड और उसके बाद क्या होगा, न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, पहला जो रहेगा एनायनिक लिगेंड वो क्या कहलाएगा भाई, वो उसको क्या, कैसे उसको हम लोग डिफाइन करेंगे? तो सिंपल सी बात है, वैसा लिगेंड, ठीक है, वैसा लिगेंड जो कैरी करता हो निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज, ठीक है, उसको हम लोग एनायनिक लिगेंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एनायनिक लिगेंड। और IUPAC सिस्टम में अभी से ही थोड़े थोड़े चीज़ों को हम बताते हुए चलते हैं ताकि वो ध्यान में रहेगा। जब हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर इसका जब हम लोग लिखना चालू करेंगे तो IUPAC नोमेनक्लेचर में इस प्रकार के जो लिगेंड रहते हैं, आयोनिक लिगेंड रहते हैं, लिगेंड क्या हुआ, जो सेंट्रल मेटल एटम जो रहता है उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके चारों तरफ जो रहता है लिगेंड, ठीक है, वही क्या है आपका लिगेंड है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम को उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में, दैट इज कॉल्ड लिगेंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो उसका जो नाम रहेगा वो किससे हम लोग लिखेंगे, ओ लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, उसका IUPAC क्या लास्ट में होगा, ओ। जैसे एच माइनस क्या होता है, हाइड्राइड, लेकिन लिखते क्या है, हाइड्रिडो, ठीक है, ओ एच माइनस, हाइड्रोक्साइड होता है क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सीडो, ठीक है, ओ टू माइनस क्या होगा, सुपर ऑक्साइड होता है क्या लिखेंगे, सुपर ऑक्सीडो, ठीक है, ओ टू माइनस टू, ये माइनस टू है जी, ये क्या होगा, परऑक्साइड होता है क्या लिखेंगे, परऑक्सीडो। इसी तरीके से सारा का सारा आपका लिखा हुआ है, ठीक है, आई माइनस क्या होता है, आयोडो, ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं, देखो ये डी ओ लास्ट में है, ओ लास्ट में है। एफ का क्या होगा, ऐसे तो होता फ्लोराइड, सॉरी आई का क्या होगा, आयोडाइड, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, आयोडीडो, ठीक है, यहाँ फ्लोरिन का क्या हो जाएगा, फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड का क्या हो जाएगा, फ्लोरिडो, ठीक है। तो इस तरीके से नाम जो है, एसओ फोर या CN क्या क्या होता है, साइनाइड, ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा, साइनिडो, ठीक है, या फिर साइनो भी बोलते हैं इसको, अभी नया वाला जो चल रहा है वो ऐसे साइनो या फिर साइनो N, ये क्या है जरा सा एक बार देखेंगे, साइनिडो क्या बोलता है कि CN, ठीक है, निगेटिव चार्ज किस पे है, N पे, और NC क्या बोलता है, आइसोसाइनाइडो क्या बोलता है कि निगेटिव चार्ज किस पे है, C पे। तो इसी तरीके से IUPAC ने नया सिस्टम निकाला और क्या बोला कि साइनाइड का जो निगेटिव है वो यदि, सॉरी CN का निगेटिव यदि N पे है तो लिखो साइनो डायरेक्ट, कोई चेंजेस नहीं, और NC है यदि निगेटिव चार्ज किस पे है तुम्हारा, C पे है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर, साइनो डैश N, यानी कि निगेटिव, तो बॉन्डिंग किसके साथ हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या लिखते हैं, CN माइनस लिखते हैं ना, तो बेसिकली वही कि किस, सिंपल सा है कि वो बॉन्ड किसके साथ बन रहा है, ठीक है, तो साइनो आइसोसाइनो इस तरीके से हम लोग करके लिखते हैं, ठीक है, साइनाइडो CN और आइसोसाइनाइडो को क्या लिखेंगे, साइनो N, ऐसे भी करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ये NC माइनस, ये ध्यान में रखेंगे थोड़ा, ठीक है, जिससे बॉन्ड बन रहा है उसके उसके वो साइनो N, ऐसा इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, जिससे भी बॉन्ड बन रहा है उसको लिखेंगे, और नहीं तो चाहो आप तो साइनिडो और आइसोसाइनिडो भी लिख सकते हो, नाम के पीछे क्या लग जाएगा, ओ, एनायनिक लिगेंड में, ठीक है, और भी एग्जांपल है जैसे कि OCN, साइनेटो ओ आ गया अब यहाँ पे, ठीक है, ओ के साथ ये हो रहा है NCO माइनस साइनेटो N, ठीक है, उसी तरीके से उसके बाद ये NCS आयोसाइनेटो N, ये थोड़ा सा आपको देखने में कठिन लग रहा होगा लेकिन धीरे 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 सारा का सारा नाम जो है वो याद हो जाएगा, इसकी गारंटी है, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन भी करना है, ये नाम लिगेंड का नाम तो बहुत जरूरी है क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन इसमें
एकदम पूछे जाते हैं, पूछे ही जाएंगे क्वेश्चन पेपर, बिना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपका तैयार ही नहीं होता है, ठीक है। उसमें रहेगा ही रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। और हर एक कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये वाला लिगेंड नहीं समझ में आ रहा है या नॉमेनक्लेचर नहीं समझ में आ रहा, काम निकल जाएगा, जी नहीं। सब लोग दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद यदि हम बात करें, आगे हम बढ़ते हैं न्यूट्रल लिगेंड की तरफ, तो सिंपल सा है, ये एक वैसा लिगेंड होगा जिस पे कोई चार्ज कैरी करता हुआ नहीं होगा, और इसके नोमेनक्लेचर में, जो रिटेन देयर यूजुअल नेम, जो इसका यूजुअल नेम रहता है, वही ये रिटेन करके चलता है, एक्सेप्ट इन सम केस, कुछ केस को छोड़ करके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे एनो नाइट्रोसिल सीओ कार्बोनिल NH3-amine, लेकिन NH3-AAMINE ध्यान में रखना है, CH3NH3-methylamine, ठीक है, C2H5NH2-ethylamine, NH2OH-hydroxylamine, ठीक है। उसके बाद NS, ठीक है, थायोनाइट्रोसिल CS थायोकार्बोनिल, ठीक है, PH3-phosphine, PH3 का होल 3, देखो जी ये PH का होल 3 है, ठीक है, रखना थोड़ा सा। ये ट्राइफेनाइल फॉस्फिन CH3OH-methylalcohol CH3OCH3-dimethylether, ठीक है, तो इस तरीके से ये देखने को मिलेगा। H2N2 को, अच्छा ये वाला NH2CH2CH2, ये देखो जी ये वाला, ये क्या NH2 हाइड्रोजन, ठीक है, NH2CH2CH2NH2 इथिलीन डाई एमाइन, ये ध्यान में रखना है, इथाइलिन डाई एमाइन, ये दो एमाइन है, ठीक है। नाम क्या बना है, इथाइलिन डाई एमाइन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग EN लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। N2 को क्या, डाई नाइट्रोजन, O2 को क्या, डाई ऑक्सीजन, यहाँ पानी को, वाटर को एक्वा लिखते हैं, ये ध्यान में रखना जी, या फिर एक्वो, ये ध्यान में रखना, पानी को क्या लिखते हैं, एक्वा, नहीं तो फिर क्या लिखेंगे, एक्वो, ठीक। अब आ जाएंगे पॉजिटिव लिगैंड की तरफ, तो पॉजिटिव लिगैंड किसको कहते हैं, जो कि सिंपल सी बात है, जो पॉजिटिव चार्ज के साथ हो, लेकिन ऐसा बहुत एक्सेप्शन देखा गया, बहुत कम है जो कि पॉजिटिव चार्ज के साथ लिगैंड के तौर पे काम आते हैं, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें, और खास बात यह है कि इसके ये में IUPAC नोमेनक्लेचर में, ठीक है, इसके IUPAC नोमेनक्लेचर में IUM जो है वो लास्ट में आपका लगता है, IUM IUPAC नोमेनक्लेचर में। तो जैसे कि NO+ नाम क्या रहता है, नाइट्रोसियम, लास्ट में क्या लग जाएगा, IUM क्या रहता है इसका नाम, या फिर नाइट्रोसिलिनियम, ऐसा भी आप चाहो तो लिख सकते हो, और होता क्या है, नाइट्रोसोनियम, ठीक है, NO2+ नाइट्रोनियम, ठीक है, Cl+ क्लोरोनियम, क्लोरीन होता है ना, तो क्लोरोनियम, ठीक है, N2H5+ हाइड्रोजीनियम, ठीक है, O2+ ऑक्सीजीनियम, ठीक है, H3O+ हाइड्रोनियम, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, याद है इसको, पहले से ही पता होगा आपको, हाइड्रोनियम आयन H3O+ दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, ठीक। अब ये चीज ध्यान में रखना कि ये एक्ट नॉट एक्ट एज ए लिगेंड, हाइड्रोनियम आयन जो है वो लिगेंड के तौर पे काम नहीं करता है, आगे बताएंगे क्यों नहीं करता है, लेकिन अभी ध्यान में रखना है कि बस ये तो नाम लिखने के लिए है, लेकिन ये आपका वाटर करेगा, वाटर करेगा, लेकिन हाइड्रोनियम आयन जो है वो एक्ट नहीं करता है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद अपने कौन सा है, किस बेसिस पे जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी के आधार पर। अब ये डेंटिसिटी क्या, पहले ये तो समझ ले, कहता है कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल विथ लिगेंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर नोन एज, सॉरी इज नोन एज, ठीक, क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर अवेलेबल विथ लिगेंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड, और ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ठीक है, लिगेंड आर क्लासिफाइड, ये आपका हो जाएगा डेंटिसिटी, ठीक है, डेंटिसिटी, ठीक है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो आपका किस में होना चाहिए, वो पार्टिसिपेट किस में होना चाहिए, बॉन्डिंग में, ठीक है, टोटल जितने भी पार्टिसिपेट करेंगे वही उसका क्या कहलाएगा, डेंटिसिटी।
सपोज दैट, इसको अच्छे से समझ लेंगे, बड़ा आसान। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी लिगेंड आर क्लासिफाइड इनटू सिक्स कैटेगरी, और डेंटिसिटी के भी बेसिस पे लिगेंड जो है वो छह तरीके से क्लासिफाइड किए गए हैं। जैसे कि मोनोडेंटेड, तो मोनोडेंटेड किसको कहेंगे, तो भाई वैसा लिगेंड जिसका डेंटिसिटी वन हो, जो कि एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर सकता हो, उसको क्या कहेंगे, मोनोडेंटेड। डेंटिसिटी बेसिकली क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल फॉर विथ लिगेंड टू फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड जितना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर यदि कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो वो लोन पेयर कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, कितने है? यदि एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड, ये आपका मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है। दो कर रहा है तो बाईडेंटेट हो जाएगा, तीन कर रहा है तो ट्राईडेंटेट होगा, चार कर रहा है तो टेट्राडेंटेट होगा, पांच कर रहा है पेंटाडेंटेट होगा, सिक्स कर रहा है हेक्साडेंटेट होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? तो मोनोडेंटेट का मतलब सिंपल, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, जैसे कि वाटर, वाटर के पास दो लेकिन करता कितना है, एक, ठीक है। एनएच थ्री के पास तो एक ही होता है कार्बोनिल, ठीक है। एनओ सी एन एन सी ओ एच माइनस ओ टू माइनस एफ माइनस सी एल माइनस सी, सारे के सारे क्या है, मोनोडेंटेड, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट करते हैं किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। बाईडेंटेड में क्या हो जाएगा, तो बाईडेंटेड में सिंपल है, जिसका डेंटिसिटी क्या होगा बेटा, आपका दो होगा, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर जो क्या करता हो, डोनेट टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक। अब इसमें क्या है कि सिमेट्रिक, अब इसमें भी जो बाइडेंटेट होते हैं ना, उसमें दो तरीके हो गए, एक होता है सिमेट्रिक लिगेंड और एक होता है अनसिमेट्रिक लिगेंड। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिमेट्रिक लिगेंड, तो वैसा डोनर एटम, ठीक है, डोनर एटम मस्ट बी सेम। सिमेट्रिक लिगेंड के लिए क्या होना चाहिए कि जो डोनर एटम होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, वो सेम होना चाहिए। जैसे कि दोनों होने चाहिए ऑक्सीजन, दोनों होने चाहिए नाइट्रोजन, समझ में आ रहा है, दोनों होने चाहिए कार्बन, सपोज दैट यदि है भी तो। तो सिमेट्री तभी ना होगा जब डोनर एटम एटलीस्ट वो सिमिलर होने चाहिए। उसके बाद पीओएस मस्ट बी प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो हम लोग किसमें पढ़े हैं, पीओएस, यस, किसमें, आइसोमेरिज्म में, तो पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री मस्ट बी प्रेजेंट। तो जैसे कि यहाँ हम लोग क्या लिखे हैं, ए, देखिए ए लिखा हुआ है, अब इसको बीच से यदि कट करेंगे तो ये क्या हो रहा है, इसके लिए यही पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें पीओएस मिल रहा है, ठीक, और ये क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। और अनसिमेट्रिकल लिगेंड किसको कहेंगे, तो डोनर एटम क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, और पीओएस मस्ट बी प्रेजेंट, और पीओएस इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि काटने पे, ठीक है, काटने पे वो अलग अलग न रहे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एबसेंट होना चाहिए, यानी प्लेनर नहीं नजर आना चाहिए काटने के बाद दो इक्वल भाग में। अब जैसे कि हम एग्जांपल पे ले लें, यहाँ अच्छे से नजर आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो हम फिर भी लिख देते हैं, इथाइलिन डाइएमाइन जो ऊपर में लिखे हुए थे, ठीक है, बताए थे EN, इथाइलिन, ठीक है, डाइएमाइन, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EN भी कहते हैं। तो एग्जांपल ये रहेगा NH2, ये क्या CH2, ठीक है, यहाँ पे CH2 और ये NH2, ये तो यहाँ भी देखोगे लोन पेयर है, यहाँ भी देखोगे क्या लोन पेयर है, ठीक है, और इसको कट तो डोनर 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 क्या हो गया, डोनर एटम सेम हो गया, ये क्या है तुम्हारा डोनर एटम, ये क्या है तुम्हारा डोनर एटम, डोनर एटम क्या हो गया सेम। तो यहाँ से पीओएस काटोगे, यहाँ से काटोगे, कट करोगे तो दोनों क्या हो गए, आधा आधा पार्ट में बट गए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो गया, सेम हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल लिगेंड कहलाएगा। उसी तरह ये क्या है, ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं इसको, ओएक्स लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, ओएक्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म भी सबका ध्यान में रखना है, एग्जाम में वही शॉर्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेगा। ये क्या होता है, ओपे माइनस, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, सी ऐसे और ये ओपे माइनस और ये डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से फिर से डोनर एटम क्या हो गए, सेम होंगे डोनर एटम सेम हो गए, यहाँ से फिर से कट करो, क्या मिल जाएगा तुमको, POS, इसका मतलब ये क्या है तुम्हारा, सिमेट्रिकल, ठीक है। आगे देखते हैं ये वाला, तो ये तो नजर आ रहा है प्रोपाइलिन डाई,
क्या रहेगा अनसिमेट्रिकल, खुद से देख लेंगे आपको समझ में आना चाहिए। ब्यूटाइलिन डाइअमाइन ये क्या होगा सिमेट्रिकल, क्योंकि बीच से काटने से ये कट हो रहा है। उसके बाद ग्लाइसिनेटो, ये ध्यान में रखना है इंपॉर्टेंट है, ग्लाइसिनेटो GLY ठीक है। एसिटाइल एसिनेटो ACAC ये भी इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, जो ज्यादा इस्तेमाल होता है। उससे पहले जो दो ऊपर में लिखे थे वो भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये वाला, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला और ये वाला भी आपका इम्पोर्टेंट, ठीक। उसके बाद यदि हम जाएंगे तो क्या हो जा रहा है, ये वाला ग्लाइसिनेटो, ठीक है। तो ग्लाइसिनेटो क्या होता है कि ग्लाइसिनिक एसिड होता है, NH3CH2COOH ग्लाइसिनिक एसिड है। तो इससे जब हम लोग H हटाते हैं, बेसिकली H प्लस जब निकलता है तो क्या बन जाता है, ये ग्लाइसिनेटो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ग्लाइसिनेटो क्या रहता है, अनसिमेट्रिकल होता है, और इसमें डोनर एटम जो है वो डिफरेंट है, N भी है यहाँ पे, ठीक है, एक तो N है और दूसरा O है। तो दो यहाँ पे क्या निकल रहे हैं आपका, डोनर एटम है, ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद एसिटाइल एसिटेटो ACAC, यहाँ आपका डोनर एटम कौन है, O पे जो निगेटिव है वो, और यहाँ पे O का जो लोन पेयर है वो भी हो सकता है, ठीक है, और अनसिमेट्रिकल है। उसके बाद ये क्या है भाई, तो 2.2 डाइफेनाइल, ठीक है, क्या नाम है इसका, तो 2.2 डाइपिरिडीन, क्या है 2.2 डाइपिरिडीन। पिरिडीन हम लोग कैसे बनाते थे याद है, ये रहता था N, ठीक है, ये ऐसे ऑर्गेनिक में देखे है ना, ये ऐसे, ये लोन पेयर इसका रहता है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये क्या है पिरिडीन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये N है, ठीक है, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, ये पिरिडीन। तो बेसिकली यही है आपका क्या, डाइफेनाइल जो है, ठीक है, 2.2 डाइफेनाइल, यानी 1, 2 दूसरे से क्या जुड़ा हुआ है, फिर से ये 1, 2, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइफेनाइल पिरिडीन। बीच से काटोगे क्या निकलेगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 1, इसका नाम 1.10, ठीक है, 1.10 फेनेंथ्रासीन, फेनेंथ्रोलिन, ठीक है। ये भी क्या है बेटा, सिमेट्रिकल है, देखो बीच से काट के देखो, ये भी क्या है सिमेट्रिकल। ये सब थोड़ा लिगेंड के बारे में ध्यान से रखना है कि लिगेंड कब सिमेट्रिकल हो रहा है, कब अनसिमेट्रिकल हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, ये भी क्या है, ये देखेंगे, तो ये जब हम लोग इससे H प्लस जब हटेगा, ये दोनों H जब हट जाएंगे, दोनों क्या आ जाएंगे निगेटिव, ठीक है, दोनों क्या आ जाएंगे निगेटिव, तो ये भी एक तरह से बाइडेंटेट लिगेंड की तरह काम करने लगेगा, दैट इज कॉल्ड, ये क्या था ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, और ये क्या हो जाएगा ऑर्थोसैलिसिलेटो, सैलिसिलेट नहीं हो करके सैलिसिलेटो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्राइडेंटेट लिगेंड की बात करें, यानी कि जो 3 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, तो इथिलीन डाइएमाइन था, इथिलीन डाइएमाइन कैसे था, NH2, ध्यान से ये CH2, ठीक है, CH2 और ये NH2, ठीक है। तो इथिलीन ये पार्ट हो गया, इथिलीन का डाइएमाइन 2 एमाइन हो गया, तो डोनर कितने हुए, बाइडेंटेट हो गया। अब बोल रहा ट्राइडेंटेट, तो हम लोग क्या कर दें, क्या लिखेंगे, डाई इथिलीन ट्राइएमाइन, यानी कि डाई 2 ये लेंगे और 3 एमाइन लेंगे, देखो डाई इथिलीन, ठीक है, और ट्राइएमाइन 1, ठीक है, 2 और ये 3 करके आपको सीखना है, 1, 2 और 3, ठीक है। इथिलीन यहाँ हो गए, इथिलीन यहाँ हो गए, अब बीच बीच में क्या कर देना है, एमाइन को लगा देना है, दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, डाइएथिलीन ट्राइएमाइन। ये भी हो जाएगा 2.2.2 ट्राइफेनाइल ट्राइपिरिडिन, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग और आगे चले जाएंगे तो टेट्राडेंटेड आ जाएगा, तो टेट्राडेंटेड में फिर वही क्या करना है, ट्राइइथिलीन इस बार 3 ले लेना है, तो क्या हो जाएगा 1, 2 और 3, और टेट्रामाइन में हो जाएगा 1, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये हो जाएगा 3 और ये 4, टेट्रा हो गए। अब इसी में ये आपका आता है ट्राई एसिटेटो नाइट्रीटो, देखो जी ट्राई एसिटेटो नाइट्रीटो, ठीक है, क्या है ये N, अब बना देते हैं एक बार फिर से N,
तीन बॉन्ड होता है ESCH2 ESC OO-, यहाँ भी क्या होगा CH2 COO-, और ये क्या होगा CH2 COO-, ये बेटा आपका बनता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे ये। उसके बाद पेंटाडेंटेट लिगेंड में उसी तरीके से पांच रहेंगे, ठीक है, और हेक्साडेंटेट लिगेंड में तुम्हारा कितने इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे, सिक्स रहेंगे, सेम वही वाला है, ठीक है, बस इसमें एक आपका अलग से आ जाता है, इसको हम लोग EDTA के नाम से जानते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्या नाम है इसका, EDTA, ठीक है, थोड़ा सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, JEE के 2010 में एडवांस में पूछा गया, ठीक है, क्या पूछा गया था कि EDTA जो है इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है, ये इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, ये पूछा गया था, इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर, तो एसिड से ही तो हम जब एनायन हटा हाइड्रोजन हटा देते हैं तो क्या बन जाता है उसका, आयन बन जाता है, तो ये बेसिकली इसका ये है, ध्यान में रखना है ये जरा सा इम्पोर्टेंट है, VVI, ठीक है, EDTA, तो ये है बीच में क्या, वही इथिलीन, ठीक है, दो N लगेंगे और इसके दोनों तरफ CH2 COO, और चार एच हटेंगे तो क्या बन जाएंगे, EDTA -4-, इसीलिए लिखा गया है हेक्साडेंटेट, ठीक है, चारों को हटा देना, ऐसे बन जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें तो दो हो गए, ठीक है, डेंटिसिटी दो हो जाएगी, अब चारों हाइड्रोजन को निकाल दो तो दो और चार छः हो जाएंगे, यानी ये -4 में कितने हो जाएंगे, सिक्स, ठीक है, और EDTA केवल लिखा है तो बाईडेंटेट, EDTA -1 यानी एक हाइड्रोजन हटा है तो ट्राईडेंटेट, -2 का मतलब दो हाइड्रोजन हटा है तो टेट्राडेंटेट, और -3 का मतलब पेंटाडेंटेट, ठीक है, मतलब जितना चार्ज रहेगा उसमें दो जोड़ देना, क्योंकि दो नाइट्रोजन के लोन पेयर भी तो है ना, और EDTA -4 रहेगा तो कितना हो जाएगा, हेक्साडेंटेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल, हाँ जी, तो सुन लेंगे सब लोग कि 10 मिनट में ये ऑफ होगा अपने आप, ठीक है, टाइम आउट होता है 40 मिनट का ही होता है, तो 10 मिनट के बाद हम तुरंत आपको फिर से लिंक भेजेंगे और फिर से आपको तुरंत ज्वाइन होना है, बात समझ में आया सबको, तुरंत ज्वाइन होना है, कंटिन्यू करेंगे। तो अब किस बेसिस पे हो रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल बिहेवियर ऑफ लिगेंड, ठीक है, स्पेशल बिहेवियर ऑफ लिगेंड, तो पहला जो है उसको कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड, तो चिलेटिंग लिगेंड क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है कि बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है, बाइडेंटेट, बाइडेंटेट मतलब दो इलेक्ट्रॉन पेयर वाला और डोनेट करने वाला, पॉलीडेंटेट दो से ज्यादा लिगेंड, विच अटैच देमसेल्व्स विथ सेंट्रल मेटल एटम इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ रिंग, यानी कि सिंपल सी बात है कि बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड जो अपने सेंट्रल मेटल एटम के साथ जब जुड़े और उसमें एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाए तो वैसे लिगेंड को हम लोग चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं, और इस फॉर्मेशन में जिसमें रिंग का फॉर्मेशन हो जाए उसको चिलेशन कहा जाता है, और रिंग फॉर्म्ड को ही कहते हैं चिलेट्स, प्रोसेस को चिलेशन, और जो रिंग फॉर्म्ड हुआ दैट इज कॉल्ड चिलेट्स, ठीक है। नॉर्मली 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड का रिंग रहता है क्या, स्टेबल होता है और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग चिलेट्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल, तो जो नॉर्मल वाला जो लिगेंड है और एक चिलेट वाला जो है तो ज्यादा स्टेबल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल तुम्हारा कौन रहेगा, मोर स्टेबल जनरली रिलेटिवली जो चिलेट्स वाले होंगे वो, यानी कि जो रिंग बनाएंगे वो किससे, नॉर्मल से, एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ड्यू टू चिलेशन, ठीक है, ड्यू टू चिलेशन इज नोन एज चिलेट इफेक्ट, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चिलेट इफेक्ट के भी नाम से जानते हैं। ध्यान में रखना है कि कॉम्प्लेक्स हैविंग सिंगल सॉरी रिंग और चिलेट इज कॉल्ड चिलेट कॉम्प्लेक्स, यदि उसमें रिंग है तो वो क्या कहलाएगा, चिलेट कॉम्प्लेक्स के नाम से कहलाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इथिलीन डाइएमाइन, याद है क्या था, NH2 CH2 CH2 NH2, अब ये क्या किया इसने, ये मान लेते हैं मेटल है, ठीक है, ये मान लेते हैं मेटल है तो सेंट्रल मेटल एटम है, तो इसने अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया, इसने भी अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया, और लोन पेयर कोऑर्डिनेट करने के बाद देखो तुम्हारा रिंग बन रहा है, ये पूरा का पूरा क्या नजर आ रहा है, रिंग बन रहा है, यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा यहाँ तक रिंग बन गया, ठीक है, तो रिंग बन गया तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, चिलेट के नाम से जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि हम कहें ये देखो, ठीक है, ये देखो
ये वाला यदि हम लोग लिगेंड की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, ये यहाँ से भी हो सकता है, बोले थे ना वो भी कर सकता है, और दोनों दोनों वो कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो जरा सा याद दिलाते हैं। ये क्या है, एसी 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 है ना, याद आया, लिगेंड है एसी एसी, एसिटाइल एसी नेटो, एसिटाइल एसी नेटो। ठीक है, तो ओ भी कर रहा और अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि ये जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये निगेटिव वाला और एक ये वाला करेगा तो फिर से ये रिंग बन जाएगा। देखो ये पूरा का पूरा रिंग बनता हुआ नजर आ रहा है अंदर। ठीक है, पूरा का पूरा रिंग बन रहा है, तो कितने मेंबर का रिंग बन रहा है, सिक्स मेंबर का, कितने मेंबर का, फाइव, जोड़ लो वन। ठीक है, टू ये हो जाएगा, थ्री ये हो जाएगा, फोर और ये हो जाएगा फाइव, फाइव मेंबर का रिंग। इसमें कितना, सिक्स, वन ठीक है, टू ये थ्री ये फोर ये फाइव और ये सिक्स मेंबर का रिंग बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ भी देखेंगे तो फाइव मेंबर का रिंग यहाँ भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसान है, बस चीजों को समझना है। अब क्या है, बोलता है कि नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगेंड, नंबर ऑफ चिलेट रिंग, ये पता करने का आसान तरीका है डेंटिसिटी माइनस वन। डेंटिसिटी माइनस वन कर दे तो नंबर ऑफ चिलेट रिंग का पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे ये भी एक क्या है, फाइव मेंबर रिंग है, बन रहा है ना इसमें, देखो ये एक दो ठीक है, तीन ठीक, चार ये पांच, फाइव मेंबर रिंग आपका तैयार हो रहा है। अब जैसे कि एग्जांपल पीटी ट्राईएन, ठीक है, ट्राईएन का मतलब क्या, यस तीन बार होंगे इथिलीन डाइएमाइन, तीन बार इथिलीन डाइएमाइन। ठीक है, दो अलग अलग चीज हो गया ये, हाँ ट्राईएन का मतलब दो तीन बार होंगे इथिलीन डाइएमाइन। ठीक, तो पीटी ट्राईएन एसओ फोर, तो ध्यान में रखना कि बताए थे पहले ही पिछले क्लास में कि पीटी प्लस टू और पीडी प्लस टू, बोले भी थे इंपॉर्टेंट, पीटी प्लस टू और पीडी प्लस टू कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, फोर। ठीक है, तो अच्छा, और इसका चार्ज कितना होगा, ये टूटेगा माइनस टू में तो ये हो जाएगा प्लस टू में, ये होता है न्यूट्रल, तो ये पूरा का पूरा चार्ज कहाँ जाएगा इस पर, चार्ज समझाएंगे अभी हम कैसे होता है। तो ये डेंटिसिटी इसका कितना आ जाएगा, फोर आएगा ना, फोर, हाँ फोर आएगा इसका, डेंटिसिटी कितना आएगा, फोर। ठीक, नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं, ये फोर माइनस वन दैट इज थ्री, तीन रिंग बनेंगे। ठीक, तीन रिंग बनेंगे, और ट्राईएन है मतलब तीन ईएन होंगे। देखो जरा सब कैसे बन रहा है ये, यहाँ पे देखें मेटल मेटल, ठीक है, यहाँ से सी एच टू, ये देखो इथिलीन कितने थे, तीन, एक दो तीन हो गए, और बीच में क्या है एनएच टू एनएच टू एनएच टू है ना, तो कितना, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, ये भी किया, ठीक है, ये भी किया और ये भी किया, तो कितने मेंबर के रिंग, मतलब कितने रिंग बने, एक दो और तीन रिंग बने, जिससे ये पूरा एक रिंग कहलाएगा, ये पूरा एक रिंग कहलाएगा और ये पूरा का पूरा एक रिंग कहलाएगा। तो टोटल तीन रिंग बने पांच मेंबर के, फाइव मेंबर के, एक ठीक है दो तीन चार और ये पांच, पांच ठीक है, फाइव मेंबर का रिंग बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद ऐसा भी नजर आ सकता है कुछ, ठीक है, ऐसा भी नजर आ सकता है इस तरीके का, एफ ई एन का होल थ्री प्लस थ्री, तो इसमें एफ ई रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो सकता है, जैसे हम लोग एफ ई ठीक है क्या कर सकते हैं, प्लस थ्री है ना, ये प्लस थ्री, तो ई एन का मतलब क्या, आप फिर से ऐसा करो, ठीक है एन एच टू ये सी एच टू, ठीक है, ये उसके बाद यहाँ भी सी एच टू और फिर क्या होगा एन एच टू और ये ऐसा इस तरीके से, तो ये पूरा का पूरा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे, ये केवल ई एन लिख दिए और ये ऐसे करके भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है लाइक दैट, तो ये ऐसे इसका ये हो जाएगा। ठीक है, कितने मेंबर का रिंग बन रहे हैं, तीन, फाइव मेंबर रिंग बन रहे हैं यहाँ पे, तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब एम्बिडेंटेड लिगेंड है, एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है देखेंगे जरा सा, बोलता है कि द लिगेंड हैविंग टू डोनर एटम, डोनर एटम क्या रहेंगे, दो डोनर एटम रहेंगे वो भी डिफरेंट, ठीक
ठीक है, बट एट द सेम टाइम कोऑर्डिनेशन ओनली वन डोनर एटम, यानी कि दो डोनर एटम तो होंगे लेकिन एट द सेम टाइम वो केवल और केवल एक ही डोनर एटम को इस्तेमाल कर सकता है, एक ही डोनर एटम के इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर सकता है। तो वैसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ठीक है बेटा, केवल दो ही मिनट अपना पास टाइम दिखा रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, कट करते हैं और फिर से ज्वाइन होते हैं, तुरंत हम आपको लिंक भेजते हैं। ठीक है, तो अभी हम कट कर रहे हैं, मीटिंग ऑफ कर रहे हैं, फिर से दोबारा आपको भेजते हैं, तुरंत ज्वाइन होना है। सुनाई दिया सबको, तुरंत ज्वाइन होना है।